आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। नमस्कार, हमारे सामने प्रश्न है दिशा और दूरी से। प्रश्न कहता है, एक दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद गंगाधर एक खंभे के सामने मुख करके चल रहा है। आगे कह रहा है प्रश्न, खंभे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है। वह किस दिशा में मुख करके चल रहा है? उसका मुख किस दिशा में है ये आपको बताना है, यदि खंभे की छाया उसके दाईं ओर पड़ रही हो तो। चलो देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न देखने से पहले, हल करने से पहले हम कुछ दिशाओं को देख लेते हैं। ये उत्तर दिशा होगी, आपके दाएं हाथ पे पूर्व, उत्तर के विपरीत दक्षिण दिशा और पूर्व के विपरीत आपके बाएं हाथ पे पश्चिम दिशा होगी। हमें सूर्य प्रातःकाल पूर्व दिशा से उदित होता है। सूर्य यदि पूर्व दिशा से उदित हो रहा है और यदि आपका मुख उत्तर की ओर है, तो आपका दाया हाथ इस दिशा में होगा पूर्व में और बायां हाथ आपका पश्चिम दिशा में होगा। तो सूर्य की किरणें आपके दाएं हाथ में आएंगी और आपकी परछाई आपके बाएं हाथ की ओर मनेगी। यानी पश्चिम दिशा की ओर। यदि आप उत्तर दिशा में जा रहे हैं, तो सूर्य की किरणें आपके दाएं हाथ पे और आपकी परछाई आपके बाएं हाथ की ओर मनेगी। ऐसे ही यदि आप दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, तो यहां आपका बायां हाथ होगा और यहां आपका दायां हाथ होगा। यानी दक्षिण दिशा में जब कोई व्यक्ति जाता है तो बायां हाथ पूर्व दिशा की ओर होता है और दायां हाथ पश्चिम दिशा की ओर होता है। सूर्य की किरणें यदि आपके बाएं हाथ पर आ रही हैं, तो आपका मुख दक्षिण में होगा और यदि आपकी परछाई आपके दाएं हाथ पर मन रही है, यानी पश्चिम दिशा की ओर परछाई मन रही है, तो आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर होगा। ये इस प्रश्न का आधार है। अब हम प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न कह रहा है, गंगाधर एक खंभे के सामने मुख करके खड़ा है। अब यदि गंगाधर के सामने खंभा है, मान लीजिए ये खंभा है और ये गंगाधर है और गंगाधर का मुख खंभे के सामने है, तो गंगाधर का दाया हाथ प्रातःकाल परछाई किस हाथ पे पड़ रही है? गंगाधर के दाई ओर परछाई पड़ रही है, तो गंगाधर का मुख होना चाहिए दक्षिण दिशा में, क्योंकि खंभे की परछाई और गंगाधर की परछाई दोनों पश्चिम दिशा में आएंगे प्रातःकाल। खंभे की परछाई और गंगाधर के दाएं हाथ पे परछाई बनती है, तो खंभे की परछाई हो या गंगाधर के खुद की परछाई हो, यदि दाएं हाथ पे परछाई बनती है प्रातःकाल, तो गंगाधर का मुख होगा दक्षिण दिशा की ओर। ना यदि किसी व्यक्ति के दाएं हाथ पे परछाई बनती है तो उसका मुख दक्षिण दिशा की ओर या साउथ में ही होगा, और यदि किसी व्यक्ति के बाएं हाथ पर परछाई बनती है तो उसका मुख उत्तर दिशा की ओर होगा, या नॉर्थ आप इसको कह सकते हैं, उत्तर दिशा की ओर होगा। तो हमारे प्रश्न का उत्तर होगा दक्षिण। हमारा विकल्प एक बिल्कुल सही विकल्प है, गंगाधर का मुख दक्षिण की ओर होगा। ठीक है, धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।